अस्सलाम वालेकुम। आज की जो एक्सरसाइज है वो है 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये दिया गया है क्लास है जिसके टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, तो उनमें से गर्ल्स कितनी है 25, बॉयज़ आपने फाइंड करने हैं। यानी जो कुल तादाद है उसमें क्या है लड़कियां और लड़के, जो लड़कियां वो कितनी हैं 25 हैं, लड़के कितने होंगे। अगर मैं ये कहता हूँ 60 में से अगर इतनी लड़कियाँ हैं तो बॉयज़ कितनी होंगी, क्या 35 नहीं होंगे? ये तो आप ज़बानी भी आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूलाज की मदद से करते हैं। बॉयज़ का हमने निकालना, मैं कहता हूँ टोटल स्टूडेंट्स को माइनस कर दें, उसमें से माइनस करें जितनी लड़कियाँ जितनी गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने हैं 60 माइनस क्या है 25, तो क्या बॉयज़ का आंसर आया 35। ठीक है 35 ये आंसर आया। तो लेकिन उसने आगे ये क्वेश्चन किए हैं कि बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, टू से यहाँ मुराद जो है वो है रेशो, ठीक है निस्बत। यानी कहता है लड़कों की निस्बत आपने मालूम करनी है कुल तुलबा के साथ, यानी बॉयज़ की जो है वो रेशो किसके साथ लेनी है, टोटल के साथ, टोटल स्टूडेंट्स के साथ, टोटल स्टूडेंट्स के साथ। बॉयज़ कितने आए हैं 35, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 60, टोटल कितने हैं 60 हैं। तो इसे सिंपलीफाई करें, ये 35 इसको मैं चेंज करता हूँ डिवीजन में सिंपलीफाई करने के लिए, किस पे डिवाइड होते हैं 5 पे, 5 7 टाइम, 5 1 टाइम, तो 1 आगे चला गया क्या बना 10, 5 2 टाइम, ये इसका आंसर है। इसे रेशो फॉर्म में लिखें, इसे रेशो फॉर्म में लिखता हूँ 7 रेशो क्या 12, ये इसका आंसर है। तो अब उसने कहा है बॉयज़ की आपने रेशो लेनी है किसके साथ, गर्ल्स के साथ। ये इधर मैं सॉल्व करता हूँ, यानी गर्ल्स की हमने रेशो किसके साथ लेनी है, सॉरी बॉयज़ की हमने लेनी है किसके साथ, गर्ल्स के साथ। बॉयज़ कितनी है, बॉयज़ 35, गर्ल्स कितनी थी ये 25। इसे सिंपलीफाई करें, 35 डिवीजन में से मैं लेके आता हूँ 25, किस पे डिवाइड 5 7 टाइम, 5 5 टाइम, इसे रेशो में लिख दें 7 7 रेशो कितनी है 7 रेशो 5, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 है, 3 × 4x - 5y = 2x - 7y। यहाँ से आपने आंसर जो निकालना है इसका निकालना है, x रेशो y से क्या मुराद है, रेशो को अगर मैं डिवीजन में चेंज करता हूँ ये बनेगा, इसका मतलब हमने इसका आंसर निकालना है x ओवर y। तो इसे मैं सिंपलीफाई करता हूँ, 3 4 टाइम 12x, 3 5 टाइम कहते हैं 15x, साथ माइनस है माइनस 15y, सही है 3 5 टाइम 15 साथ y है y, इधर गया 2x - 7y। तो इसे सिंपलीफाई करें, जो x है इस इधर लेके आए, ये क्या प्लस है इधर आ गया होगा माइनस x, ये माइनस है उधर जा गया होगा प्लस 15y - 7y। तो x को इधर लेके आए हम, तो y को मैंने क्या किया इधर लेके आए, ये माइनस उधर जा गया होगा प्लस, तो ये प्लस है इधर आ गया होगा माइनस, इसे मैं माइनस करता हूँ 12 - 2 10x, 15 - 7 8y। तो उसने क्या कहा था, मुझे जो आंसर चाहिए वो x ओवर y चाहिए, तो मैं ये इधर x है ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया होगा डिवाइड हो रहा है, इधर क्या बच गया 8, ये देखें मल्टीप्लाई हुआ है x के नीचे आ गया क्या होगा डिवाइड, तो ये क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया होगा डिवाइड, ये इसका आंसर है। तो इसे रेशो फॉर्म में लिख देता हूँ, मैं डिवीजन को रेशो फॉर्म में मैंने लिखा ये आया, तो इधर इसे भी रेशो फॉर्म में लिखता हूँ, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। लेकिन ये सिंपलीफाई भी होता है इधर, अगर मैं ये कहता हूँ 2 4 टाइम 2 5 टाइम, ठीक है 4, यानी इसे मैं ये भी लिख सकता था
ये 4 है रेशियो को मैंने इसमें ये 5, यानी ये मज़ीद सिंप्लीफाई होता था, ये इसका आंसर है ठीक है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई होता था।